श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। होली के दिन एक बहुत ही विशेष साधना होती है, कामाख्या साधना। खबरों के लिए बता दूं कि कामाख्या माँ की योनि जिस गुफा में गिरी थी वो गुफा मिल गई है। अभी उसकी साफ सफाई चल रही है, तो हो सकता है जो मंदिर से हटके उस गुफा के दर्शन भी आप लोगों को अब करने के लिए मिलेगा कामाख्या में। तो कामाख्या साधना तांत्रिकों के लिए तीन भगवती में एक भगवती की साधना करना अनिवार्य होता है। तो ज्यादातर लोग महाकाली की साधना करते हैं। महाकाली के बाद जिस भगवती की सबसे ज्यादा साधना होती है वो है माँ कामाख्या की, और फिर माँ तारा आती हैं। इन तीनों में सबसे जल्दी जो जिनकी साधना हो सकती है वो माँ तारा है। कामाख्या माँ की साधना करने के लिए एक सही गुरु आपके पास होना चाहिए था। मुझे याद है कि मैं अम्बागाछी मेला में था, तो वहाँ पंक्ति लगा दी जाती है तांत्रिकों की, सब अपना जाप करते रहते। तो हमारे बगल में एक तांत्रिक साहब बैठे थे। अब उन्होंने कई मंत्र किया होगा, गूगल बाबा से उन्होंने मंत्र उठाया होगा या फिर कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा। पूरा लाल एकदम कपड़ा वड़वा पहन के आकर के बैठ गए। उन्होंने जैसे ही मंत्र किया, मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल से दो मिनट भी नहीं उन्होंने मंत्र किया होगा, उनको किसी ने एक थपेड़ मारा और वो देख रहे थे दक्षिण, वो हो गए पूरब। उसके बाद वो उठ के सामान उठा करके भाग गए। तो कामाख्या या छिन्मस्तिका या काली या तारा का जो साधना होता है वो काफ़ी उग्र होता है। तो इसकी साधना किसी अच्छे गुरु के अंदर में करिएगा तो आप लोगों को विशेष लाभ होता है। मैं आज आप लोगों को कामाख्या साधना बता रहा हूँ। कल के लिए कामाख्या साधना है 1008 जाप करेंगे, ठीक है। माला से करेंगे आसन, कोई भी वस्त्र, कोई भी भगवती का आप यंत्र बनाएंगे, माँ भगवती का यंत्र आपने आप गूगल कर लेना या फिर अगर मुझे फोन करोगे तो मैं बता दूंगा। तो वो त्रिकोण वाला जो यंत्र होता है बीच में ह्रीम लिख करके आप लोग साधना माँ भगवती की करेंगे। उसके सामने 5 दिया जलाना और धूप जलाना, अगरबत्ती मत जलाना, नवेद दे देना माँ भगवती को। उसके बाद नवेद देने के बाद वहाँ बैठोगे, 9 गुलाब लेकर के, ठीक है। योनि मुद्रा हाथ से बनाना है और उसके बाद मंत्र है प्रणाम पहले करना। प्रणाम का क्या मंत्र होता है? कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासनी टंग देवी जगत माते योनि मुद्रा नमोस्तुते। तो योनि मुद्रा करके ये मंत्र आपको से प्रणाम करना है। उसके बाद योनि मुद्रा ही मेंटेन करते हुए फिर आपको दूसरा मंत्र बोलना है, कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रियम कामना देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। इतना आपने कर लिया, माँ को प्रणाम कर लिया, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे एक एक करके 9 बार ये मंत्र बोल के आप 9 पुष्प भगवती को चढ़ाएंगे। आप भवानी ईश्वरी साई करो मोर माए पुष्प चढ़ाऊ आपनी वर देव सुर्राय, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे तो आपकी पूजा आरंभ हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास दीपक का मंत्र नहीं है, दीप का मंत्र नहीं है तो वो सुनिए। ऐसे दीप का मंत्र आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि आप साधक हैं, ठीक है। और घर में जब भी आप पूजा करते हैं तो आप लोग इस मंत्र को करिए। जब आप दीप जलाते हैं तो ऐसा मानना, मतलब मानिए कि जैसे मैंने दीप जलाया वैसे भगवती सामने आ गई। और मंत्र होता है, आया ही वरदे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदांसी ब्रह्मजनी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल के आप जैसे ही सोचते हैं कि भगवती आ गई हैं,
तो भगवती का कोई ना कोई रूप आ करके आपके पूरे पूजा को सुनता है, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक आप पूर्ण आहुति करके आरती ना कर लो तब तक भगवती वहां बैठी रहती है। तो आपने क्या क्या किया, आपने दीप जला लिया है, दीप जलाने के बाद आपने माँ को नमस्कार किया योनि मुद्रा बना करके, उसके बाद माँ को 9 गुलाब के फूल चढ़ाए, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे 1008 जाप, मंत्र सुनिए। ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल खड़ग हस्त पाद पाति गरुड़ सर्वलखी तु प्रीतये समाडम तव चिंतामणि नरसिंह चल चल श्रीना कोटि कात्यायनी तालाब प्रसाद क। ओम ह्रीं ह्रीं क्रू त्रिभुवन चाल्य चाल्य ठह ठह स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 जाप जब कर लेंगे, उसके बाद आप लेंगे एक छोटा सूखा नारियल, उसमें आप भरेंगे हवन सामग्री, ठीक है। हवन सामग्री मतलब जो सूखा हवन सामग्री आता है उसको भरिए, उसमें ढेर सारा घी डालिए, उसमें ढेर सारा कपूर डालिए, उसको एक बर्तन में रखिए, उसके चारों तरफ से आप कपूर डाल करके उसको जला लीजिए। उसको जला करके उसमें जो हमारा हवन सामग्री होता है तिल लौंग और गूगल, इसका 108 इस मंत्र को पढ़ के आप जो है उसमें आप पूर्णाहुति देंगे। इससे आपका ये मंत्र होली की रात में सिद्ध हो जाएगा। अगर होली के अलावा आप किसी दिन करते हैं तो इस विधि को 21 दिन करके आपको फिर पूर्णाहुति करनी पड़ेगी। कामाख्या साधना बहुत ही लाभप्रद साधना है। जैसे कि आप, जैसे मैंने हमेशा बोला, सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा होता है कि कोई भगवती आपके साथ हमेशा चलती रहे, उसके लिए कामाख्या साधना सर्वोत्तम है। काली साधना, काली काली साधना मैं ऐसे नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि काली बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होती है होली में। तो अगर आप लोग को काली साधना चाहिए तो आप लोग कॉल मी फॉर आप लोग मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको एक मंत्र दूंगा 4 अक्षर का और उस मंत्र का विधि विधान बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि काली आप लोगों को हो सकता है प्रत्यक्ष हो जाए। तो अगर इतनी कुव्वत है आप लोग में कि आप लोग काली को देख सको, क्योंकि मुझे अपना एहसास है कि वो जो कुछ क्षण मैंने काली को देखा था तो क्या स्थिति होती है, वो लौकिक पारलौकिक के बीच में डर और खुशी के बीच का जो माहौल होता है वो अगर आप में झेलने की क्षमता है तो आप लोग फोन करिए, मैं आप लोगों को काली का प्रत्यक्षीकरण या फिर बोलिए काली सिद्धि साधना दूंगा, जो एक रात में होली के दिन होगा। इसके अलावा कल मैं आपको किसी भी समय एक मंत्र दूंगा, आप लोग गूगल खरीद के रखिएगा, ठीक है। उस मंत्र से ये होता है कि आप जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वो देवता आ जाते हैं। तो इस मंत्र को की सिद्धि कल ही होगी, ये एक विशेष मंत्र है, मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग कल गूगल खरीद के रखिएगा और मेरा जो वीडियो है, किसी भी, जब आप कोई भी हवन करें, अगर बहुत उग्र हवन करने वाले हैं तो, और अगर मान के चलिए वो देवता बहुत उग्र हैं, तो उससे पहले आप ये हवन कर लीजिएगा तो उन देवता की कृपा भी आएगी और वो देवता आके आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश। अगर आप लोगों को मेरा किताब खरीदना है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील, मतलब जहाँ भी खोजोगे मिल जाएगा पूरे विश्व में। इसके अलावा जो मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, उसमें सर्च कीजिएगा रुद्रनाथ, आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, कॉल बटन दिखेगा, कॉल करिए और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैं डिलीट करने वाला हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। आप लोग हर विषय के लिए व्हाट्सएप पे ही आते हैं और चाहते हैं सब कुछ मैं व्हाट्सएप पे बता दूँ, ऐसा नहीं होगा। आप सभी को आदेश आदेश, मक्का मक्खे आप लोगों पर आशीष बरसाए। रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश 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 आदेश।